गुड मॉर्निंग, राम राम। तो जी कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद सूरजवंशी। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली सदर। सदर का एक और ब्लॉग आपके लिए लेके आया हूँ। इस टाइम पे वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा सारी डिटेल मिलेगा, पर मैं जा रहा हूँ ट्रेन से। देखिए मैं पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते ट्रेन के अंदर और आपको बताते हैं सारी डिटेल। तो दोस्तों भाई ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है, तो चलते हैं सीधा ट्रेन में। और सदर पहुंचने के बाद कहाँ मुड़ना है, कैसे जाना है, पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं सीधा। तो 2 नंबर पे खड़ी है हमारी ट्रेन EMU 04408। और ये 3 नंबर पे जो गाड़ी खड़ी है ये न्यू दिल्ली विशाखापट्टनम जो यार्ड से आ गई है, सॉरी नई दिल्ली आ गई है, अभी ये यार्ड में जा रही है। ये हमारा WAP-7 लोकोमोटिव के साथ में हमारी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस खड़ी हुई है। और ये अपनी ट्रेन जो हमें लेके जाएगी सदर तक। ये वैसे आगे पलवल तक जाएगी पर हम इसे उतरेंगे दिल्ली सदर जाते हैं। ये है हमारी टिकट, 2 लोग जा रहे हैं हम, तो 2 लोगों की टिकट लगी है 60 रुपये। और देखिए ट्रेन मालगाड़ी जा रही है ज़्यादा आगे जाके रुक गई है क्योंकि ट्रैक पर भी काम चल रहा है। तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर। टाइम हो रहा है 9:42 और ट्रेन का टाइम है 10 बजे का। तो बाकी जाए ट्रेन की, तो ये ट्रेन एक डेली ट्रेन है, 10 बजे चलती है यहाँ से शिवपुर बस्ती से और अपना 12:30 बजे के आसपास ये पलवल पहुँचती है। इसके 16 होल्ट हैं पर हम बीच में उतर जाएंगे, नई दिल्ली से 1 स्टेशन पहले उतर जाएंगे। तो चलिए अब आपको ट्रेन का थोड़ा व्यूज़ दिखाते हैं बाहर के और फिर सीधा आपको सदर लेकर चलेंगे। सदर में आपको दिखाएंगे कैसे जाना है, कहाँ जाना है और मार्केट में इस टाइम पर क्या मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी मार्केट इस टाइम पे चल रही है वो आपको सारी इस वीडियो की डिटेल में देते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं ट्रेन, तो चलिए करते हैं आगे। ये ट्रेन विशाखापट्टनम से आ चुकी है न्यू दिल्ली, अब यहाँ से यार्ड में जा रही है। और 2 नंबर पर अपनी ट्रेन खड़ी है जो 10 बजे पूरे करेक्ट चल पड़ेगी। कल ये ट्रेन कैंसिल थी और आज ये ऑन टाइम। तो ये ट्रेन भी अपने यार्ड में जाने के लिए निकल चुकी है शिवपुर बस्ती से। थोड़ा गला ख़राब है जिसकी वजह से हो सकता है आपको आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस लगे या आवाज़ कम आए। आपको थोड़ी सी आवाज़ में चेंज लग सकता है क्योंकि मेरा गला एकदम ख़राब है, कोल्ड हो रखा था, रात को फीवर भी था, फीवर उतर गया, तो इसलिए मैं आपके लिए अब ब्लॉग लेके आ गया हूँ। बाकी अभी थोड़ा जुकाम खांसी वगैरह है और थोड़ी आवाज़ में भी दबदबा है और थोड़ा चेंज है। चलिए आपको पूरा ब्लॉग दिखाते हैं। तो चलिए अब सीधा आपको दिखाते हैं डिपार्चर। तो ट्रेन चल पड़ी है, ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है पर ट्रेन ने हॉर्न नहीं बजाया। तो ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है शिवपुर बस्ती से।
ट्रेन आ रही है। ये तमिलनाडु एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से चेन्नई के बीच में चलने वाली ट्रेन, ये भी नई दिल्ली से अभी 8 बजे निकले आई है। देखिए अपनी ट्रेन ट्रैक चेंज कर दी है इस टाइम पे। आ रहा है सामने ब्रिज, ये है दिल्ली का नाला। इसके बाद शुरू हो जाती है झुग्गियाँ, सारा पूरा स्लम्स एरिया यहीं से शुरू होता है। ये देखिए आपको दिखना शुरू हो गया है। यहाँ पे दिन पे दिन झुग्गियाँ बढ़ती जा रही है। ये जो सामने से ट्रैक आ रहा है ये आ रहा है दिल्ली सफदरजंग और आपका गुड़गांव जयपुर वाला रूट भी यहीं से आगे जाके पटेल नगर के बाद अलग हो जाता है। तो ये रूट तीनों मेन वहीं से कनेक्ट होते हैं। तो ये जो पहला स्टेशन आ रहा है ये आ रहा है दया बस्ती का, और देखिए प्लेटफॉर्म पे ही झुग्गियाँ बना रखी है। ये देखिए ये स्टेशन का प्लेटफॉर्म है और इसी पे झुग्गियाँ, ये तो नीचे की तरफ थी और ये देखो बिल्कुल सामने प्लेटफॉर्म के ऊपर ही झुग्गियाँ बनी हुई है। और ये गाजियाबाद चोकर बस्ती EMU आ गई है, ये गाजियाबाद से आगे चोकर बस्ती जा रही है। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये अपनी सीट पे बैठ के बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ गेट पे नहीं खड़े हो सकते। नाले के बाद से लेकर सराय दौला तक यहाँ पे बहुत छीना झपटी होती है, पत्थर मार के फ़ोन खींच लेते हैं, तो इसलिए मैं सीट पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ।
ये सेम वही ट्रैक सफदरजंग गुड़गांव जयपुर वाला रूट। और ये सामने सराय रोहिला का रेलवे स्टेशन है पुल के बाद, और लेफ्ट में हल्का सा मुड़ते के साथ ही विवेकानंदपुरी हॉल्ट का स्टेशन है। वैसे दोनों स्टेशन एक ही है, पर वो सराय रोहिला जंक्शन बना रखा है और ये आपका एक साइड में स्टेशन बना रखा है। ये सराय रोहिला विवेकानंदपुरी हॉल्ट का जो स्टेशन है, ये मेरा एक काफ़ी यादगार है। मेरा बचपन यहाँ पे भी बीता है, क्योंकि मेरा ननियाल है यहाँ पे, मेरी नानी मेरे मामा यहीं रहते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ मेरी बचपन की बहुत सारी यादें हैं। रात के टाइम पे अपने मामा के साथ में यहाँ प्लेटफॉर्म पे घूमना, काफ़ी कुछ है मेमरीज है। तो ये जगह मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं, अब आगे निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और ये सराय रोहिला का रेल यार्ड, यहाँ पे जो भी ट्रेनें आती हैं यहीं पे उसका यहीं स्टे करती है। और ये देखिए, ये जो सामने जो सबसे पहली ट्रेन खड़ी है, ये है जम्मू दुरंतो। इसकी पूरी लिबरी ही चेंज करती है, दुरंतो वाली लिबरी का इसमें एक भी कोच नहीं है। पूरे जो हमारे नए वाले जो रेड वाले कोच है वो ही पूरी ट्रेन में है। और ये दिल्ली से जींद की तरफ जाने वाली मेमो स्पेशल ट्रेन। आप दिल्ली में सुबह 8:30 बजे के बाद कभी भी निकल जाओ, आपको ट्रैफिक जाम मिलना ही है हर जगह। ये देखिए कितना जाम हो रहा है इस अंडरपास के नीचे। यही रीज़न था आज मेरा 17 बजे ट्रेन से जाने का, क्योंकि अभी वहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी हुई नहीं, मेट्रो काम चल रहा है। और ये ऊपर से एक और मेट्रो जा रही है रेड लाइन की। और जम्मू, कटरा, लुधियाना, अम्बाला, अमृतसर, चंडीगढ़ से आने वाली सारी ट्रेनें इसी रूट से आती हैं। तो ये भी एक मेन स्टेशन है, मेन लाइन है। पर ये दनकौर से आने वाली हमारी EMU ट्रेन है, जो दनकौर से आई है, अब शकुर बस्ती जा रही है। और ये 11:20 पर वापस दनकौर के लिए निकलेगी, पुरानी दिल्ली के रास्ते।
हमारी ट्रेन राइट की तरफ मुड़ रही है नई दिल्ली की तरफ, और लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। दिल्ली जंक्शन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का ट्रैक हमारी ट्रेन से अलग हो गया है, और अगर आप जूम करके मैं आपको दिखा पाऊँ तो, अगर आप ट्रेन देख पाओ सामने खड़ी हुई तो, वो सामने की तरफ जो है वो है पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन और हम मुड़ गए हैं नई दिल्ली की तरफ। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और ये जो आप पुल देख रहे हो इस पर लगती है मसाले की मार्केट। और ये शिवगंगा एक्सप्रेस अभी अपने यार्ड में जा रही है, और हम पहुंच गए हैं सदर बाजार रेलवे स्टेशन दिल्ली सदर बाजार। हम पहुंच गए सदर बाजार, तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों हम लोग सदर बाजार पहुंच चुके हैं, ट्रेन से उतर चुके हैं, अब हम चलते हैं सीधा मार्केट। पर उससे पहले हमें लग रही है भूख, तो पहले यहाँ करेंगे नाश्ता, क्योंकि यहाँ की कचौड़ी और बैट पकौड़े वैसे ही बहुत फेमस है। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं सीधा मार्केट के लिए बाहर। जिस ट्रेन से हम आए थे ये आगे चली गई है, अब ये जा रही है नई दिल्ली निजामुद्दीन होकर पलवल की तरफ। ये नई दिल्ली तिलक ब्रिज, हजरत निजामुद्दीन, ओखला, तुगलकाबाद, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ के रास्ते ये पलवल के लिए जाएगी। और दूसरी तरफ खड़ी है गाजियाबाद जाने वाली ट्रेन, जो नई दिल्ली से आ गई है, पुरानी दिल्ली के रास्ते गाजियाबाद की तरफ जाएगी। और ये है लखनऊ एसी सुपर फास्ट, ये ट्रेन भी अब यार्ड में जा रही है। और यही है शॉप जिसके बारे में जिक्र करता था, इसके बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकौड़े होते हैं। मेन इनकी सब्ज़ी है, इनका सब्ज़ी का टेस्ट सबसे अलग होता है, मुझे बहुत पसंद है ये। ये देखिए ब्रेड पकौड़े कचौड़ी गर्मा गर्म बन के निकली है अभी। चलिए करते हैं टेस्ट और निकलते हैं फिर हम यहाँ से बाहर की तरफ। तो दोस्तों अभी हमने सदर बाजार स्टेशन से बैट पकौड़े और कचौड़ी ली थी। बैट पकौड़े के साथ जो सब्ज़ी थी ना वो बहुत लाजवाब थी। मुझे अभी से नहीं, जब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तब से मैं यहीं के बैट पकौड़े और कचौड़ी खा रहा हूँ। उनकी सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। 15 रुपये का एक पीस है सब्ज़ी के साथ, पर इसका मुकाबला और कहीं नहीं है। तो अगर कभी आप ट्रेन से आओ और सदर उतरो तो इनके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो है इनके जरूर ट्राई करें। चलिए चलते हैं मार्केट के लिए। एक WAP-7 लोकोमोटिव जैसे कोई ट्रेन आ रही है, चलिए दिखाते हैं कौन सी है। यह
ये जो ट्रेन सामने आ रही है ये है अमृतसर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, जो अमृतसर से चल के न्यू दिल्ली और ये वापस अमृतसर के लिए भी जाएगी। और ये है रेलवे का इन शताब्दी का सबसे बेस्ट कोच अनुभूति, सबसे लग्जरी कोचों में से एक है ये। तो दोस्तों ये जो पुल दिख रहा है, इस पुल से ऊपर चढ़ के अगर आप लेफ़्ट में जाओगे तो खाली वाली पहुँच जाओगे और राइट में सदर बाज़ार है। वैसे सदर बाज़ार इस पुल के ऊपर से शुरू होता है पटरी बाज़ार, पर मेन सदर बाज़ार इस तरफ है, नीचे उतरते के साथ ही मेन सदर बाज़ार शुरू होता है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। आप ये देखिए ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है, खाली वाली के लिए लेफ़्ट और सदर के लिए राइट। चढ़ने के साथ ही सदर मार्केट शुरू हो जाती है। वैसे तो ये जो आप सामने देख रहे हो ये है रेलवे का यार्ड, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की प्रीमियम ट्रेन्स का यार्ड ये सामने है। पीछे एक और लोकल ट्रेन आई है पुरानी दिल्ली के रास्ते गाजियाबाद की तरफ जाने वाली, और ये शताब्दी खड़ी हुई है अमृतसर शताब्दी। और ये जो ट्रेन आई है ये टाइम से एक घंटा लेट आई है, सिरसा एक्सप्रेस। पहले इसका स्टॉप सदर पे था, मतलब सदर इसका स्टॉपेज नहीं है, पर फिर भी वहाँ साइड में रुकी हुई है ट्रेन। तो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है यहीं पर ही। और आपको दिखाता हूँ मैं अगले पार्ट में, यहीं से शुरू करूँगा और पूरा सदर बाज़ार आपको एक्सप्लोर करूँगा। सदर बाज़ार में कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे आप जैसे पुल से बाहर निकलेंगे लेफ़्ट में जाएंगे तो खारी बावली आ जाएगा, राइट में उतरते के साथ ही आपका सदर बाज़ार शुरू हो जाएगा। ये जो पटरी बाज़ार लगा हुआ है ये भी सदर बाज़ार का हिस्सा है। ये देखिए ये बच्चों के कपड़े वगैरह 150 में धोते। चलिए सीधा मिलते हैं अगले पार्ट में।